सबका पंचवक्त्र महादेव मंदिर की तरफ से धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पे मंदिर में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। पंचवक्त्र महादेव मंदिर, जैसे आपको पता ही है कि जम्मू का सबसे प्राचीन मंदिर है और एक ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे महादेव जो हैं आप शंभु के रूप में प्रकट हुए हैं और पंचवक्त्र, जो कि पंचवक्त्र मतलब पांच फेसेस, पांच मुख के स्वरूप में यहाँ पे विराजमान हैं, जो कि भारत का एक विलक्षण और अद्भुत मंदिर है, जो कि आपको कहीं भी पंचवक्त्र स्वरूप आप शंभु के स्वरूप में नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी सालों से, यहाँ पे सदियों से यहाँ मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे कहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी अपनी जो दूसरी उदासी में यहाँ पे आए थे। तो इस मंदिर का जो है, आपको जैसे पता है कि जम्मू की जो अगर हम कहें मंदिरों का शहर है, अगर इसको हम कहें कि इसकी आत्मा जो है या DNA जो है हमारा जम्मू के जो मंदिरों का शहर का, मंदिरों के शहर का, वो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता जो अगर उसके बात करें तो जो संगीत या कला संगीत जो है और धर्म और जो फिलॉसफी है, ये तीनों एक ही कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। और संगीत जो है वो महादेव से ही उत्पन्न हुआ है, और उन कला भी जो है, बाकी जो कला की दूसरी जो विधाएं हैं वो भी महादेव से ही उत्पन्न हुई है। तो इसलिए इस पंचवक्त्र मंदिर में हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जो मंदिरों के शहर में एक जो भजनों का जो संगीत का एक माहौल होता था, उसको पुनः जीवित करें। और यहाँ पे वो जो एक प्रयास कर रहे हैं कि एक जो प्रथा चली आ रही थी पहले, जो कि लुप्त हो चुकी है, उसको जहाँ पे द्वारा लाएं। तो इसी कारण हमने एक सावन महोत्सव में भजन संध्या का आयोजन किया था, जो कि एक बहुत कामयाब एक प्रयास रहा और लोगों का बहुत अच्छा उसमें रिस्पांस रहा। और यहाँ पे इतना जम्मू के लोग आए रहते थे कि यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। तो उसी को देखते हुए हम इस अब शरद महोत्सव, जो कि 3 से 5 नवंबर को मनाने जा रहे हैं, उसमें जो जैसे दीपक जी ने पहले बताया आपको कि उसमें दो भाग रहेंगे। उसमें एक तो भजन संध्या रहेगी, जिसमें कि जम्मू के जो विख्यात कलाकार हैं, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के कलाकार हैं, वो उसमें अपनी प्रस्तुति अर्पित करेंगे महादेव को। और उसके साथ ही युवा एक प्रतियोगिता रहेगी, जो कि भजन संध्या व उस जो नॉन प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट्स है उस पर आधारित रहेगी। तो उसमें जो युवा जम्मू क्षेत्र के हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो निर्धारित किया है 16 साल से 23 साल के युवा जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कैश प्राइजेस भी रखे हुए हैं। उसके लिए यहाँ पे एक अमरजीत जी, यहाँ हमारे जम्मू के विख्यात कलाकार हैं और इनका अपना स्टूडियो भी है, ये एक उन कलाकार जो यहाँ पे प्राइज़ लेंगे उनको मौका फ्राहम करेंगे कि वहाँ पे अपने स्टूडियो में उनकी रिकॉर्डिंग होगी। और उसी के साथ हम जहाँ पे भजन संध्या जो सीनियर आर्टिस्ट गाते हैं, उन युवा कलाकारों को उसमें मौका भी देंगे, वो प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह जम्मू के जो युवा जो है उनके लिए एक क्रिएटिविटी, एक प्लेटफॉर्म हम इस पंचवक्त्र मंदिर में स्थापित करेंगे, जहाँ पे वो अपना गायन की प्रस्तुति कर सकते हैं, एक क्रिएटिव वेंचर में उसमें हिस्सा ले सकते हैं और अपना जो है योगदान जो क्या बोलते हैं उसको पॉजिटिव तरीके, पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं।